हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्सटबुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता। एग्जाम बिल्कुल आपके बिल्कुल सर पर है और एग्जाम देने बिल्कुल आप लोग जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पर आप थोड़ा सा अपने आप को फास्ट कैसे कर सकते हो। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्ट। सबसे पहले देखो, क्वेश्चंस आप फास्ट तभी कर सकते हो कि पहले आप ये एनालिसिस जरूर करो, ये जजमेंट जरूर ले आओ कि क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है या आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सीधी सी बात है, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुलेगा तो क्वेश्चन पेपर देखते ही नंबर 1 नंबर 2 आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि अच्छा ये टॉपिक हमने कवर किया है या नहीं किया है। अगर आपने कवर किया तो उसको रीड करो, नहीं तो बढ़ो आगे, अननेसेसरी टाइम मत खराब करो, क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक तो आपने ऐसे डगमगाते हुए पढ़ा है। अब अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे भी तो आपको टाइम भी लगेगा और हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना हो और आपने टाइम बर्बाद कर दिया। तो भाई क्या हुआ, आपने तो टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आप जो भी क्वेश्चन खुल रहा है आपके सामने, जैसे अगर आपने कहा, अगर आपने मान लो कि 10 यूनिट तैयार किए हैं या 9 यूनिट तैयार किए हैं, तो आपको पता है ना कि कौन सी यूनिट आपने छोड़ी है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपने खोला वो क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन उस यूनिट का आ गया जो यूनिट आपने नहीं पढ़ी थी। क्यों पढ़ना है उस क्वेश्चन को, छोड़ो, जंप करो, आगे बढ़ो। उसके बाद दूसरा, और कैसे आप स्पीड ला सकते हो, दूसरा आप ऐसे स्पीड ला सकते हो कि आपको वहां पर एग्जाम में एक स्मार्ट अप्रोच लगानी है। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपको पता है सीएसआर में ऑप्शन मर्ज करके देता है, स्टेटमेंट देता और स्टेटमेंट को मर्ज करके दे रहा है, तो आपको सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़ने हैं, आपको सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़ने। आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो, अगर वो आपको आता है, आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है या स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो आप देखो जो भी पूछा उसको मार्क कर दो कि ये ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। आप नीचे ऑप्शन में दाओ, अच्छा ये इसके साथ ये बनेगा, उसको देखो एलिमिनेट करो। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आप अगर वहां पर अपने ईगो में आ गए, नहीं तो भाई हो सकता है कि क्वेश्चन में 7 स्टेटमेंट है, 7 स्टेटमेंट को मर्ज करके ऑप्शन बनाए गए हैं, तो आप 7 के 7 स्टेटमेंट पढ़ते रहोगे तो टाइम जाएगा। भाई जैसे ही आपने 7 में से 2 स्टेटमेंट पढ़े, उन 2 स्टेटमेंट को अगर आपको 100% आता है 2 स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो उन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पर आप नीचे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में आओ, स्मार्ट अप्रोच लगाओ, आपका आंसर निकल गया, बढ़ो आगे। घर में आके पढ़ लेना पेपर, 1 हफ्ते बाद पेपर मिल जाएगा आपको, स्मार्ट अप्रोच। तीसरा, कैसे टाइम बचाना है आपको, तीसरा आपको ये टाइम बचाना कि जो मैच ऑफ द कॉलम आ रहे हैं, मैच ऑफ द कॉलम को फोकस करो, क्योंकि अब मैच ऑफ द कॉलम पार्ट सी में आ रहे हैं अच्छे खासे, तो मैच ऑफ द कॉलम में भी आपको 4 के 4 मैच नहीं करने हैं। पहला मैच करो, उससे रिलेटेड ऑप्शन देखो, दूसरा मैच करो, उससे रिलेटेड ऑप्शन, 1 या 2, मैक्सिमम 2 अगर मैच भी कर रहे हैं तो 2 में भी मैक्सिमम आपके 90% 80% आंसर निकल आते हैं, तो आपको चारों के चारों मैच करने की भी जरूरत नहीं है। फिर मैं एक और मैसेज दूंगा आपको, जैसे मैंने आपको बहुत बार पेडिग्री एनालिसिस बताई है, तो पेडिग्री एनालिसिस आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करनी है। आप आंख बंद करके सॉल्व मत करना, पहले आप पेडिग्री के ऑप्शन पे जाओ, देखो कि ऑप्शन एलिमिनेशन, मैंने आपको बताया सेक्सलिंग रिसेसिव एक्सलिंग रिसेसिव एक्सलिंग डोमिनेंट को एलिमिनेट करना आसान होता है, फटाफट से एलिमिनेट करो। ये नहीं कि ऑप्शन देखे ही नहीं और आप आंसर निकाल रहे हो, पता चला जो आप आंसर निकाल रहे हो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो इन तरीकों से आप अपने टाइम को बचा सकते हो। और जो पार्ट बी में है वहां पर आपको क्या करना है, फटाफट वो सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चन से आ रहा है तो आग करो, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाओ। ऑल और नन वाला फिनोमिना, या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, तो ऐसी अप्रोच लगाओ जिससे क्या होगा, एक राउंड में आप ज्यादा से ज्यादा कम टाइम पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑप्ट कर पाओगे। तो प्लीज ट्राई करें, आपका एग्जाम बिल्कुल सर आंखों पर है, ट्राई करें, इस तरह से अपने अप्रोच को बदलें, एक स्मार्ट अप्रोच लेके आए। अगर ये आपने चीजें अपने अंदर डाल दी तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, डेफिनेटली आप जिस लेवल पर जा रहे होगे उस लेवल से ऊपर ही जाओगे। तो इतना ध्यान में रखना, मैं आपके शाम शाम को 7 बजे कनेक्ट होता हूँ यूट्यूब चैनल पर, और रात को 10 बजे होता हूँ मास्टर क्लास सुपर कोचिंग पर। तो ध्यान रखना, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करके रखें, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है जी। और ये दिसंबर 2024 के लिए एलाइट बैच अनाउंस किया गया है, आप अगर दिसंबर 2024 के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस बैच का सब्सक्रिप्शन आप ले लें। थैंक यू ऑल, कनेक्टेड रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।